स्टार्ट करते हैं बच्चों आवाज आ रही है मेरी कोई असुविधा तो नहीं हो रही है आवाज में आवाज सही से सुनाई दे रही है तो आज अभी पहले मेरे को बताओ कि हमने क्या क्या करा दिया क्या बाकी है अभी तक हेलो तो पूरा कंप्लीट हो गया था और प्रेक्षा मेडिटेशन भी पूरा हो गया यानी जैन योग तो कंप्लीट हो गया अभी मेरे को पकाया है ओमकार मेडिटेशन योग निद्रा विपस्ना बस है ना इतना ही तो शायद लगभग बाकी है आज हम बात करेंगे विपस्ना के विषय में विपसना टॉपिक भी बहुत अच्छा है और आज के समय में बड़ा समसामयिक टाइम पे बहुत ही प्रासंगिक भी है तो तोना को जानने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग करने वाला व्यक्ति या योग अभ्यासी उसमें दो कंपल्सरी चीजें हैं दो चीजें अत्यंत कंपलसरी अब आ रही आवाज अब आ रही आवाज अब तो नहीं कट रही है तो दो अनिवार्य चीजें हैं एक तो यह कि चित्त की स्थिरता और चित्र की स्थिरता के साथ साथ जागरूकता अवेयरनेस आपको प्राणायाम पढ़ाया गया होगा प्राणायाम को जब हम प्राणायाम के फिजियोलॉजी साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं या समझते हैं तब हमें पूरी तरह से ये दोनों बातों को बिल्कुल सही ढंग से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं अब विश्लेषणात्मक अध्ययन हो जाता है कि एक सामान्य श्वास लेने में और एक प्राणायाम करने में दोनों में अंतर क्या होता है प्राणायाम के बिना कोई भी ध्यान असंभव है आपने यदि प्राणायाम नहीं किया है पूर्व में ध्यान की पूर्व तैयारी में तो आप प्राणायाम न करने के कारण आप पूरी तरह से ध्यान के लायक नहीं होते हैं ध्यान करने से पूर्व प्राणायाम का अभ्यास और उससे पूर्व अपनी समस्त इंद्रियों को अपनी ओर अंतर्मुखी करते हुए एक वस्तु विशेष अथवा कोई भी एक जो भी ध्यय वस्तु हो उसको मानकर उसके प्रति अवलंबन लेके अपने आप को आत्मन को और चित्त को एकाग्र करना ये ध्यान की स्थिति होती है अब बात करते हैं कि विपस्यना क्या है लिखना चाहो तो लिख लो विपस्ना यह संस्कृत का शब्द है विपस्ना पश्य मीन्स देखना दो बातें विशेष ध्यान रखना कि हम यहाँ दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एक विपश्यना और एक है विपस्सना हमने पहले के पूर्व व्याख्यानों में आप सबको यह बताया है कि संस्कृत पाली और प्राकृत तीन भाषाएं हमारे यहाँ की मुख्य भारतीय उद्भूत भाषाएं हैं इन संस्कृत जिसमें सबसे प्राचीनतम है जितना भी वैदिक बांग में है वो सारा का सारा संस्कृत में है और प्राकृत भाषा में जैन आगम सारे हैं पाली भाषा में सम, सभी जितने भी ग्रंथ बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में तो ये विपस्ना वी आई पी एस एच वाई ए एन ए विपस्यना इज द वर्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो विपस्यना का अर्थ है ऐसे देखना एक विशिष्ट दृष्टि से देखना वह विपस्यना विपस्यना को जब हम पाली भाषा में देखते हैं तो यह लिखा जाता है विपस्सना वि आई पी ए डबल एस ए एन ए विपस्सना विपस्सना का भी अर्थ लगभग जो संस्कृत भाषा का अर्थ है वही होता है अर्थात इन साइट क्लोज या यू बोलें कि इन साइट या क्लोज साइटिंग या क्लोज डिस्टिंक्ट क्लोज एंड डिस्टिंक्ट साइट या हिंदी में इसे जब परिभाषित करेंगे तो ये होगा इसका विपस्सना का वी वी जब संधि विच्छेद करते हैं विपस्सना को तो वी अलग है और अलग है। वी का अर्थ है यथार्थ ज्ञान या यथार्थ ज्ञान या, ज्ञान, या सद ज्ञान। कैसे होगा संभव जब मन शांत होगा चित्त पवित्र होगा और अंतर, अंतर दृष्टि बिल्कुल निर्मल होगी कब होगी चित्त शांत हो और पवित्र हो और साथ ही साथ आपकी अंतरदृष्टि जो है वह पवित्र हो यह है उस ए विपसना में जब आप किसी भी ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो इंटरनल जो आपके अंदर में द्वंद चल रहे हैं उनसे परे होते हुए इनर इनसाइट आपको ऑब्जर्वेशन करना ये विपस्याना की प्रोसेस है सामान्य तौर पर वि का चाहे तो लिख लो सामान्य तौर पर वि का अर्थ है विशेष और पासना का अर्थ है देखना वि का अर्थ है विशेष और पासना का अर्थ है देखना अस्थायित्व और अनात्म अस्थायित्व और अनात्म दृष्टि से यदि आप देखते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो आपको विपसना की समझ में आती है या इसकी विधि समझ में आती है अस्थायित्व जो कुछ भी जीवन में है बौद्ध विचार के अनुसार इस संपूर्ण जीवन का सार दुख है और जब हम इसे गैर आत्मभाव से देखेंगे हमारे को कोई दर्द या किसी प्रकार का दुख आघात पहुंचाए। है यदि हम उसके साथ लिप्त हो जाते हैं तो उस दुख के साथ हम बहने लगते हैं उसी में अपने आप को समाहित करके बस रोना 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 और दुखी होना जब थोड़ी देर के लिए यह अनुभव करते हैं कि यह दुख हमें मिला और यह दुख किस कारण से आया उस कारण का निवारण क्या है और उस निवारण को पूर्णतया प्राप्त करके उससे मुक्ति का उपाय ढूंढ लें वह है क्या बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का मूल विपसना को समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म को भी जानना आवश्यक है बौद्ध धम्म धम्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं धर्म का अर्थ है जो नियम आपको दिए गए हैं उनको आप अनुसरण करें आत्मसात करते हुए उसी तरह से धम्म का अर्थ है जो कास्मिक लॉज हैं जो सौर यानी जो आपके संपूर्ण सृष्टि में जो नियम बनाए गए हैं कल्याणकारी नियम है संपूर्ण सृष्टि के लिए न कि सिर्फ मानव के लिए संपूर्ण सृष्टि के लिए सृष्टि में विद्यमान संपूर्ण कारक सभी प्रकार के कारक चाहे वो लाइट हो चाहे वायु हो चाहे जल हो संपूर्ण कारक एवं संपूर्ण भूत प्राणियों के साथ साथ जड़ और चेतन सबके प्रति कल्याणकारी जो भी नियम और उपनियम बनाए गए हैं उनको आत्मसात करके उनका अनुशीलन करना यह कहलाता है धम्म जितने भी जय बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें तीन मुख्य ग्रंथ हैं बौद्धों के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनका नाम है पिटक लिखते जाना बीच बीच में जहां पे हो आप कहीं पे ना लिख पाओ तो पूछ लेना पहला है विनय पिटक दूसरा है सुत्त पिटक यस यू डबल टी ए पी आई टी के सुत्त पिटक और दूसरा है अभिधम्म पिटक डबल एम पी आई टी ए के तो अभिधम्म पिटक इनको समझने से पूर्व हम ये जान लें कि हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार जो चार मुख्य आर्य सत्य हैं वो क्या हैं चार आर्य सत्य हैं नंबर एक दुख दूसरा है समुदाय तीसरा है निरोध और उसके बाद चौथा है मार्ग दुख समुदाय निरोध और मार्ग दुख का अर्थ है यहां पहला आर्य सत्य है दुख का अर्थ यथार्थ दुख जो भी जी इस जीवन को जब हम सर्वाइव करते हैं तो प्रतिपल सुबह सु सूर्योदय की कि पहली किरण से जब हम कार्य सन्नद्ध होते हैं वहां से लेकर बिस्तर तक जाते समय भी यहां तक कि कभी कभी रात्रिचर्या में सोते समय भी हमें दुख का ही अनुभव होता है तो उन दुखों के निवारण के लिए हम यथार पहले उससे क्या करेंगे जब वो दुख है उसको पहले जाने तो कि वो दुख है काहे का किस चीज का दुख है तो पहला है दुख पहला आर्य सत्य है दुख, दुख दूसरा है बोध या समुदय उस दुख को जाने पहले दुख को जाने और पहचाने ये हो गया समुदय तीसरा है उस दुख का निरोध यानी रोकना वो दुख ना हो या उस दुख से हम दुखित ना हो उसको रोकने का उपाय ये क्या है अज्ञानता का जब तक हम विनाश नहीं करेंगे तब तक दुख को रोकने का उपाय हम करने में सक्षम नहीं होंगे जब हमें दुख हुआ दुख का बोध हो गया और उसके निवारण हेतु तो हमें मार्ग भी उपाय भी मिल गया तो उस उपाय को करने हेतु तो हमें मार्ग की आवश्यकता होती है वह मार्ग होता है चित्त का यथार्थ मार्ग चित्त का यथार्थ मार्ग अर्थात हम अपने चित्त को उस स्थिति परिस्थिति और दुख के साथ संयोजित न करते हुए ज्ञाता दृष्टाभाव से पृथक करके ज्ञाता दृष्टा भाव से पृथक करके, करके जागरूक रहते हुए उसे समझने का पूर्ण प्रयास करके और उससे छुटकारा या मुक्त होने का प्रयास करें वह है मार्ग ये चार आर्य सत्य हैं इन चार आर्य सत्यों के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में आष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना की गई जैसे आप फोर्थ है मार्ग मार्ग का अर्थ है चित्त का यथार्थ मार्ग यानी या आप मन बुद्धि और अहंकार को एकाग्र चित्त करके चित्त के साथ पूरी तरह से लय करके उस दुख के को जानकर यानी उसका पहले दुख उसका बोध हुआ जान लिया जानने के बाद उसके निरोध यानी रोकने का उपाय और निरोध के बाद उस मार्ग को यानी वो प्रासेज अपनाना कि जिससे उस दुख से हम दुखित न हो यानी चौथा है मार्ग अब बौद्ध धर्म में चार आर सत्य के अतिरिक्त जैसे हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से आठ अष्टांग मार्ग भी दिखाए गए हैं अष्ट मार्ग इन्हें बोलते हैं अष्टांग मार्ग में होता है अष्टांग मार्ग का अर्थ है कि आप संपूर्ण बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले इन चार आर्य सत्यों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वह विधि बताई गई है इन अष्टांग मार्गों में मार्गों में। प्रत्येक मार्ग के साथ सबसे पहले एक शब्द जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं सम्यक भगवत गीता में सम्यक और समत्व ये दो शब्द बार बार कई श्लोकों में इनका उल्लेख किया गया सम्यक दृष्टि समत्व बुद्धि दो बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं सम्यक दृष्टि और समत्व बुद्धि सम्यक दृष्टि अर्थात जैसे एक श्लोक है गीता का विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों हस्तनी सुनी चवालके पंडित समदर्शिनः विद्या और विनय से संपन्न कौन ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्या में रत है ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म की उपासना में हर समय लगा रहता है वह कौन है ब्राह्मण है और ऐसा व्यक्ति जो कि साथ में उसके एक और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जुड़ गई कि वो विद्या से पूर्णतया संपन्न है दूसरी चीज वो विनय संपन्न है संपन्न सामान्य तौर पर हम क्वालिफिकेशन लेते हैं पढ़ाई करते हैं एजुकेशन लेते हैं डिग्री मिल गई बहुत सारी डिग्रियां हमने इकट्ठी कर ली लेकिन वो हमने विद्या तो ले ली एजुकेशन ले ली लेकिन हम तब क्वालिफाइड होते हैं जब हमें विनयशीलता आती है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य हस्तनी गौ गाय जो होती है ना गाय को बहुत ही अच्छा एक तरह से क्या पूजनीय माना गया है हमारे वैदिक भाग में में तो गाय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तनी और हाथी हाथी को भी बहुत पूजनी माना गया सुनी चाय व स्वपाकेचा सुनी अर्थात कौन कुत्ता दूसरा चांडाल जो कौन चांडाल किसे कहा जाता है जो लाशों को दहन करता है सबसे कहा जाता है ना कि अरे ये कौन सा कर्म कर रहा है चांडाल कर्म क्यों क्योंकि मन में भाव रहता है ना कि ये क्या इसका काम ही क्या है लोगों के मुर्दों को जलाना मन में लेकिन सबसे बड़ा काम वही करता है अगर वो ना हो तो ये लाशों का ढेर लग जाएगा कौन ये सड़ेंगी बदबू आएंगी कहाँ जाएंगे सबसे बड़ा काम वो करता है यही श्लोक बताता है कि यदि कोई ब्राह्मण है चाहे वो गाय हो चाहे हाथी हो चाहे कुत्ता हो और चाहे वो चांडाल हो या जो इस कर्म में लगाए इन सब में जो ज्ञानी जन है विद्वत लोग हैं सम दृष्टि रखते हैं सम दृष्टि अर्थात एक समत्व तो भाव रखते हैं कैसा जानते हैं कि इन सब में उसी चैतन्य का पूर्णतया बिंदु स्वरूप विद्यमान है अर्थात उस परमात्मा का आत्म स्वरूप इनके भीतर है और जो उस परमात्मा में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति उसने हम में आधानित की है और वही शक्ति उतना ही पूरा वैभव इन लोगों में भी दिया है कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान की शक्ति समाई हुई है चीटी में भी चीटी की आत्मा में भी उतनी ही शक्ति है जितनी की शक्ति हमारे भीतर है ये उस चीज को सम्यक दृष्टि और समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि यहां पर हम समत्व बुद्धि यानी दोनों बैलेंस बुद्धि कौन सी बैलेंस संतुलित बुद्धि कौन सी जो मन बुद्धि और अहंकार तीनों में समायोजन करते हुए मन पे अपने मन पे आत्मनियंत्रण रखे बुद्धि पर अहम को हावी नहीं होने दे बुद्धि पर अहम को हावी नहीं होने दे अर्थात हर व्यक्ति में अहम का भाव होता है उस अहम को यदि हम जागृत रखते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं यदि हम उस अहम को जागृत न करते हुए यह भाव रखें कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा किया हुआ नहीं है ईश्वर के द्वारा हमसे करवाया जा रहा है हम निमित्त मात्र हैं तो वह अहम को हमेशा हम समित रखेंगे कभी भी अहम का भाव हमें जगेगा तो सम्यक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया पहला है सम्यक दृष्टि अर्थात चारों आर्य सत्य में विश्वास करना लिख लें पहला है जो अष्टांग मार्ग है उनका पहला हेड है सम्यक दृष्टि अर्थात चार आर्य सत्य में विश्वास करना दूसरा है सम्यक संकल्प सम्यक संकल्प अर्थात मानसिक और नैतिक विकास के प्रति निरंतर प्रतिज्ञारत होते हुए यानी पूरी तरह सा संकल्प लेके उस पर पूरा लक्ष्य संधान करते रहना अर्थात सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना तीसरा है सम्यक वाक वाक समझ में आ रहा होगा अर्थात ऐसी कोई भी बात नहीं करना जो हानिकारक हो हानिकारक आपने कोई र्यूमर उठा फैला दी जिसपे पूरी तरह से वो सत्य नहीं है आपने सुनी और उसको बस कह दिया तो वो समाज में एक अफवाह फैलने के बाद उससे जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो हानिकारक होती है अर्थात ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे किसी भी प्रकार की हानि हो और सबसे खास बात झूठ नहीं बोलना सम्यक वाक में है हानिकारक बातों और झूठ से पूर्णतया विरत रहना ठीक है हानिकारक बातें और झूठ से पूर्णतया विरत रहना यह है सम्यक वाक चौथे में आता है सम्यक कर्म सम्यक कर्म ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे किसी के भी प्रति हानिकारक वो